सर पाकिस्तान जो है फ्यूचर फेस्ट का यहाँ पे इनिशिएटिव लेकर आया है, तो आप बताएं कि हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर में चेंज आएगा, तब्दीली आएगी इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से? ये जो अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं, नए रास्ते दिखाते हैं, और बहुत सी जो पहली अच्छी काविशें इस वक्त इन प्लेस हैं उनको ऑगमेंट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत से नौजवानों को पता लगेगा कि नई टेक्नोलॉजी यहाँ वर्ल्ड क्लास फॉर्म्स भी हैं, पाकिस्तान की टॉप फॉर्म्स भी हैं, वो किस तरह काम कर रही हैं। और फिर ये जो बहुत सी टेक फॉर्म्स होती हैं ये एक दूसरे की भी मदद कर रही होती हैं, किसी ने अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना है उसको क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कि किसी ने अगर कोई टूल इस्तेमाल करना है उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर्स। तो इट इज इन इटसेल्फ इज एन इनेबलर एंड आई थिंक इट विल हेल्प पीपल ग्रो फॉरवर्ड। सो व्हाट अबाउट वुमेन, अगर मैं औरतों की बात करती हूँ तो आपको लगता है कि औरतों को इस इनिशिएटिव को कैच करना चाहिए और पाकिस्तान को कुछ औरतों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है फ्यूचर में? बिल्कुल, खवातीन जो हैं उनकी तालीम और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये वो खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटिंग और ये सब बेहतर मौके ख्वातीन को दे रही है, और वो इसमें अपना मेटल अपनी साहित्य मनवा भी रही हैं। सर आपकी तरफ से भी आप बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए बिफोर वी रैप अप द सेशन। बेटा मैं जितने हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं ऑलमोस्ट 50 कंट्री से, वो सभी समा को ना प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। तो मैंने पूछा कि कहते इतने बच्चे आए हैं इतने हम्बली उन्होंने, तो वो पाकिस्तान के मीडिया का सॉफ्ट इमेज लेके जा रहे हैं। तो आपने पूरी मीडिया इंडस्ट्री का फेस पोर्ट्रे किया है और ख़ासतौर बच्चियों के लिए। और मैं बताता चलूँ कोई पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने दुनिया में जो तीसरी पोजीशन हासिल की है, तीसरी बड़ी कम्युनिटी हम बने हैं, उसमें 45% हमारी बच्चियाँ हैं। तो मुझे फ़ख्र हुआ कि चारों हमारी बेटियाँ जो हैं वो डिजिटल चैनल लेके चल रही हैं, और चोई साहब के आप बाजू हैं। मुझे लगता है कि ये ख्वाब जो है पाकिस्तान को वहाँ तक लेके जाएगा जो जिसका इसको हक बनता है। हमने एक डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, और समा फ्यूचर फेस्ट दोनों इस मकसद के लिए इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये मुल्क दुनिया के अच्छे से एक मौशी मजबूत मुस्तकबिल के तौर पे उभरता नहीं है, हम जदोजहद जारी रखेंगे दोनों ज्यादा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।